मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी साल में किसानों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित हुए गौरक्षय संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों में बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जो किसान गाय पालते हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं उन्हें सरकार द्वारा गायों के पालन पोषण के लिए 900 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड में आयोजित गौरक्षय संकल्प सम्मेलन में 400 से अधिक चलित पशु चिकित्सा इकाई का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान सरकार द्वारा अपर कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी जिले की गौशालाओं के लिए प्रबंधन और समस्याओं के समाधान के लिए अलग से नियुक्त कर दिया गया है, ताकि यह अधिकारी गौ सेवकों से संवाद और संपर्क स्थापित कर सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है उन्हें अब अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अगर कोई ईमानदारी से गाय खरीद के लाया और वो दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है तो मध्य प्रदेश सरकार की भी योजना अभी हमने बनाई, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है, और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए, ताकि वो गाय रख सके और गाय का पालन कर सके। ये काम अभी ऐसे 22,000 किसानों को इसी महीने में हम 900 रुपया की किस्त जारी कर रहे हैं, प्रति माह 900 रुपया हम देंगे ताकि गौ सेवा के काम में लगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।